तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों को नियमित करने को लेकर सदन में मामला गूंजा। वहीं मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान रोजगार देने की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब वो बातें हवा हवाई हो गई। पूर्व सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो करने लगे हैं उनके लिए नीति बनाई जाए। हमारी सरकार ने एक बार सिद्धांत रूप से एक निर्णय लिया था कि जो आउटसोर्स में जो लगे हैं कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में, वो बहुत नीरी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। उसके बावजूद मानवीय आधार पर हम उनके लिए राहत क्या दे सकते हैं, मदद क्या कर सकते हैं, इस पर हमने बात की थी। और बात करने के बाद हमने निर्णय किया था जो लगे हैं उनको हटाएंगे नहीं। लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी हिमाचल प्रदेश में और इन्होंने उसके बाद तुरंत शुरुआत कर दी जो आउटसोर्स में कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया।